गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर 4 भोली फॉर द यूनिट एस। सो वी हैव ऑलरेडी रेड दैट भोली वॉज ए सिंपलटन गर्ल, वो काफ़ी सिंपल गर्ल थी एंड देन शी वॉज द यंगेस्ट सिस्टर इन हर फैमिली एंड शी गॉट पोक मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज कंसिडर्ड एज एन अगली गर्ल एंड later she get admission in the school and she started studying and develop her personality and character and later she show how she got developed in her characteristic by performing an action that saved the dignity of her family. So let's do some question answer. These are some extra question answer which might come into your unit test, so pay attention and go through all of this. So the first question is, why was Sulekha nicknamed Bholi? So Sulekha ka naam Bholi kyon rakha gaya? Sulekha was nicknamed Bholi because she was simpleton, she was mentally slow and anybody could befool her. तो सुलेखा का नाम भोली इसलिए रखा गया क्योंकि वो सिंपलटन थी, मतलब वो सच में काफ़ी भोली थी, काफ़ी सीधी थी। शी वॉज मेंटली स्लो, उसका दिमाग स्लो था और कोई भी उसे बेवकूफ़ बना सकता था। वाई डिज सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा स्टैमर करने क्यों लगी, कि हकला के क्यों बोलने लगी, वो अटकती क्यों थी बोलते वक्त। सुलेखा वॉज अ बेबी when she fell down from a court, her brain was damaged. जब सुलेखा छोटी थी तो वो अपने झूले से गिर गई और उसके दिमाग में चोट लग गई। she could not speak till the age of 5 years, वो अपने 5 साल की उम्र तक नहीं बोल पाती थी। she was mentally slow and lacked confidence, वो अपने दिमाग से भी पीछे थी और उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। That is why she started stammering, और इसी वजह से वो उसने हकलाना शुरू कर दिया। Why was Ramlal worried about Bholi and not about his other children? जो रामलाल थे, जो भोली के पिता थे, वो सिर्फ भोली के लिए ही क्यों परेशान रहते थे, अपने बाकी बच्चों के लिए क्यों नहीं? All other children of Ramlal were healthy and good looking. जो रामलाल के बाकी सब बच्चे थे वो हेल्दी थे और अच्छे दिखते थे। भोली वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर गुड लुकिंग, और भोली एक ही इकलौती ऐसी उनकी बच्ची थी जो ना ही इंटेलिजेंट थी और ना दिखने में अच्छी थी। शी वॉज अ सिंपलटन एंड शी स्टैमर ऑल्सो, रामलाल वॉज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हर फ्यूचर, वो काफ़ी सीधी और भोली वाली थी और हकलाती भी थी, इसलिए रामलाल को उसके फ्यूचर का काफ़ी उसके फ्यूचर की काफ़ी चिंता रहती थी। वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज, वट डिड ही आस्क रामलाल टू डू, तहसीलदार रामलाल के विलेज में क्यों आए और उन्होंने रामलाल से क्या करने को कहा? सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट पे अटेंशन इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। द तहसीलदार केम टू रामलाल्स विलेज टू इनॉग्रेट द प्राइमरी स्कूल, ही आस्क रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर बाई सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल। तो तहसीलदार रामलाल जी के विलेज में इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे नया प्राइमरी स्कूल खुला था और उसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे, उनके उद्घाटन के लिए आए थे, और उन्होंने रामलाल को कहा कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए और अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजिए, अगर आप लीडर हैं तो आपको लीड करके अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। वट वॉज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन, ये सुन के रामलाल की वाइफ का क्या रिएक्शन था? His wife was an orthodox village woman. She was against the idea of sending her daughters to school. जो रामलाल की वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमेन थी, मतलब काफ़ी टिपिकल, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम पुराने ख्याल की एक गांव की औरत थी और उनको बिल्कुल भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि उनकी बेटियों को स्कूल भेजा जाए। She thought that education would affect their marriage prospects adversely. उन्हें ऐसा लगता था कि एजुकेशन की वजह से उनकी शादी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वाई डिड शी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल, वो भोली को स्कूल भेजने के लिए क्यों एग्री हो गई? शी थॉट दैट द एजुकेशन वुड रुइन द मैरिज प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर डॉटर्स, बट भोली वॉज अ सिंपलटन,
उन्होंने सोचा कि जो एजुकेशन है उसकी वजह से उनकी बाकी बच्चियों की शादी करवा पाना मुश्किल हो जाएगा, पर जो भोली है वो काफ़ी सीधी है। देर वॉज नो पॉसिबल ऑफ हर मैरिज, और उसकी शादी होना पॉसिबल नहीं है, सो शी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें स्कूल ही भेज दिया जाए। वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर? जो भोली है वो स्कूल जाने से क्यों डर रही थी अपने पापा के साथ? रिलेक्टेड मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना या दूर भागना। भोली डिड नॉट नो दैट अ स्कूल वॉज लाइक, भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, कैसा दिखता है। शी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट। वैन हर फादर हेल्ड हर हैंड एंड टोल्ड हर दैट दे आर गोइंग टू स्कूल, शी फेल्ट फ्राइटेंड, फियर टू बी ड्रैग्ड आउट ऑफ द हाउस, सो शी वॉज रिलेक्टेड टू गो टू स्कूल विद हिज फादर। तो जब उनके पिताजी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो डर गई कि कहीं उसे घसीट के घर से बाहर ना निकाला जा रहा हो, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। वट मेड हर फील दैट शी इज गोइंग टू बेटर प्लेस देन हर होम? क्या उसे ऐसा क्यों लगा कि वो अपने घर से बेटर जगह पे जा रही है? भोली नेवर गॉट अटेंशन बिफोर दैट डे, भोली को उससे पहले भी इतना अटेंशन नहीं मिला था, कोई उसका इतना ध्यान नहीं रख रहा था। शी वॉज बाथ एंड गिवन अ क्लीन ड्रेस, उसे नहलाया गया और उसे साफ कपड़े दिए गए। ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हे ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके सर पे तेल रगड़ा जा रहा था और उसके सर पे तेल रगड़ा जा रहा था जो उसके बाल ड्राई हो चुके थे और उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं थी। दिस मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू बेटर प्लेस देन हर होम, इससे उन्हें जो भोली है उसे फील हुआ कि वो किसी अच्छी जगह ही जा रही है अपने घर से भी। Now the ninth one. Did Bholi enjoy her first day in the school? What made her happy on this very day? क्या भोली ने अपना first day school में enjoy किया और किस वजह से वो काफ़ी खुश हो गई? It was a mixed day for Bholi. वो काफ़ी mixed day था, मतलब अच्छा बुरा दोनों था। She was happy to see the girls of her age. She was fascinated with the colorful picture on the wall of the classroom. जो अपनी एज की लड़कियों को देख के काफ़ी खुश थी और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कलरफुल पिक्चर्स को देख के जो क्लासरूम की दीवारों पे लगे हुए थे। बट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम शी कुड नॉट आंसर प्रॉपरली एंड द अदर गर्ल लाफ्ड एट हर, पर जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो आंसर नहीं कर पाई और सारी लड़कियाँ उस पर हंसने लगी। शी क्राइड, वो रोने लगी। बट हर टीचर सॉफ्ट वर्ड्स मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे, पर उसकी टीचर के जो सॉफ्ट जो प्यारे प्यारे जो सॉफ्ट वर्ड्स थे उसके लिए वो सुन के वो खुश हो गई। विच इंसिडेंट टच्ड हर हर्ट, कौन सा इंसिडेंट उसके हर्ट को टच कर गया? ऑल द गर्ल्स वर लाफिंग एट हर, द टीचर कॉल्ड हर बाय नेम इन हर सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस, दिस टच हर हर्ट बिकॉज शी हैड नेवर बीन कॉल्ड इन दैट लविंग वे। जब सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी तो टीचर ने काफ़ी प्यार से और काफ़ी आराम से उसका नाम लेके उसे बुलाया। ये बात जो भोली है उसको टच कर गई क्योंकि पहले कभी भी इतने प्यार से किसी ने उसे नहीं बुलाया था। नाउ 11th वन, हर हर्ट वॉज थ्रोबिंग विथ न्यू होप एंड लाइफ। इस लाइन का मतलब है जो उसका दिल है वो नई उम्मीद और नई लाइफ से धड़क रहा था, मतलब कुछ नया हो रहा था उसके साथ, इस वजह से उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट वाज द न्यू होप एंड न्यू लाइफ, अब नई उम्मीद और नई लाइफ क्या है इसके अंदर? सो द आंसर इज द न्यू होप वाज दैट शी वुड बिकम लर्न लाइक अदर पीपल, वुड लिसन टू हर, she would be able to speak without stammering, now she would not be treated as inferior to other. So जो नई उम्मीद थी उनकी लाइफ में वो ये था कि वो दूसरों की तरह सीख पाएगी, वो बाकियों से बात कर पाएगी, लोग उसकी बातें सुनेंगे और वो पहले की तरह अटकेगी नहीं,
और लोग उसे अपने से कम नहीं समझेंगे। वट डिड शी रिलेट द पिक्चर इन द स्कूल वॉल टू, वो स्कूल की पिक्चर्स देख के उससे किससे रिलेट कर रही थी, मतलब किसके जैसा फील कर रही थी। शी रिलेटेड द पिक्चर ऑफ द स्कूल वॉल विद द रियल थिंग्स अराउंड हर, वो जो स्कूल की पिक्चर्स थी उसे देख के अपनी आसपास की जो रियल चीज़ें हैं उनसे उन्हें कंपेयर कर रही थी। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जो गोट थी जो पिक्चर पे जी फॉर गोट, वो बिल्कुल वैसी ही ब्लैक गोट थी जो उनके पड़ोसी के पास थी। द काउ वॉज लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय की पिक्चर थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी, मतलब उनके घर की जो गाय थी लक्ष्मी नाम था जिसका, उसके जैसी थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द तहसीलदार हॉर्स, और जो घोड़ा था वो बिल्कुल वैसा ही ब्राउन घोड़ा था जैसा तहसीलदार के पास था। हाउ डज शी बिकम अ मास्टर पीस, वो एक मास्टर पीस कैसे बन गई, मतलब वो इतनी टैलेंटेड कैसे बन गई। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड दैट सिंपलटन गर्ल इनटू अ वेल बिहेव्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, भोली वॉज फुलिश एंड स्टैमरिंग गर्ल, द टीचर पुट इन ऑल हर हार्ड वर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, इट वॉज रियली अ मास्टर पीस ऑफ द टीचर। सो जो टीचर थी उसने एक भोली सी लड़की को काफ़ी वेल बिहेव्ड और कॉन्फिडेंट लड़की बना दिया। जो भोली थी वो पहले एक फुलिश मतलब बेवकूफ़ और हकलाने वाली लड़की थी, पर टीचर ने पूरी मेहनत करके उसे चेंज कर दिया, उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग मतलब दिमाग से स्ट्रॉन्ग और अच्छे से एजुकेटेड कर दिया। और इसी वजह से जो भोली है वो एक मास्टरपीस बन गई, जिसे किसने बनाया था, उसकी टीचर ने। वाई डिड भोली लुक एट बिशाम्बर विद कोल्ड कंटेम्प्ट, भोली ने मतलब कोल्ड मतलब होता है गुस्से से, मतलब आंखों में जब बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होता, उससे क्यों देखा बिशाम्बर की तरफ। भोली लुक्ड एट बिशाम्बर विद कोल्ड कंटेम्प्ट बिकॉज ही हैड डिमांडेड 5,000 टू गेट मैरिड टू हर, भोली सा हाउ हर फादर गॉट ह्यूमिलेटेड, शी रियलाइज दैट बिशाम्बर वॉज ग्रीडी एंड एक्सप्लॉइटेड हर फादर ड्यू टू हर लुक। तो भोली ने बिशाम्बर की तरफ इतने गुस्से से इसलिए देखा क्योंकि उसने 5,000 रुपये मांगे शादी के लिए, उसने देखा कि कैसे उसके पिताजी को बेइज्जत किया जा रहा है, और उसे रियलाइज़ हुआ कि जो बिशाम्बर है वो काफ़ी लालची है और इसी वजह से वो उससे शादी कर रहा है। वाई डिड बिशाम्बर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस, बिशाम्बर और भोली की मैरिज क्यों नहीं हुई। बिशाम्बर मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन, बिशाम्बर और भोली की शादी इसलिए नहीं क्योंकि भोली ने शादी करने से मना कर दिया उस लालची आदमी से। शी ऑल्सो रियलाइज दैट बिशाम्बर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर फादर ड्यू टू हर लुक्स, और उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो बिशाम्बर है वो उसके फादर को एक्सप्लॉइट मतलब ताना मार रहा है या परेशान कर रहा है क्योंकि उनकी बेटी के लुक्स खराब थे। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशाम्बर प्रपोजल, गिव थ्री रीज़न, भोली के पेरेंट्स ने बिशाम्बर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, तीन रीज़न बताने में। भोली पेरेंट्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट हर मैरिज एज शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, तो पहला रीज़न तो यही है कि उन्हें हमेशा भोली की शादी की चिंता रहती थी क्योंकि वो ना ही इंटेलिजेंट थी और ना ही ब्यूटिफुल। बिशाम्बर वॉज वेल्दी एंड डिड नॉट डिमांड एनी डॉरी ऑल्सो, और जो बिशाम्बर है वो काफ़ी अमीर था और उसने कोई दहेज नहीं मांगा था। सो दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल आफ्टर ए लिटिल डिस्कशन, तो उन्होंने वो मैरिज एक्सेप्ट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कुछ देर की डिस्कशन के बाद। वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल एज अ चाइल्ड, भोली जब छोटी थी तब वो बहुत कम क्यों बोलती थी। एज वी ऑलरेडी नो दैट द भोली वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड हर कॉन्फिडेंस वॉज डाउन एंड शी ऑल्सो स्टैमर, कि भोली का जो कॉन्फिडेंस था वो कम था और वो ढंग से बोल नहीं पाती थी और वो अटकती थी बोलते वक्त, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। 17th क्वेश्चन, हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन हर फादर कॉट हर बाय द हैंड टू टेक हर टू स्कूल, व्हाई, भोली ने कैसा रिएक्ट किया जब उसके पिताजी ने हाथ पकड़ के उसे स्कूल ले जाने की कोशिश की, और क्यों। व्हेन रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड टू टेक हर टू स्कूल शी वॉज फ्राइटन, जब रामलाल भोली को पकड़ के स्कूल ले जाने लगा तो वो डर गई।
शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था स्कूल क्या चीज़ होता है. शी थॉट हर फादर वॉज टर्निंग हर आउट ऑफ द हाउस, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर स्क्रिप. तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके फादर हैं वो उसे स्कूल घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्लाने लगी और उसने अपना हाथ अपने पिताजी के हाथ से खींच लिया. सो दिस वर फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन विच माइट कम इन टू योर यूनिट टेस्ट. देर आर फ्यू मोर्स, सो यू हैव टू गो थ्रू इट विदाउट राइटिंग इट इन योर नोटबुक. आपको ये सब रीड करना है क्योंकि इनमें से छोटे मोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और शायद यही क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं. सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.